अभी तो प्रदेश के लगभग हर जगह भी बारिश हो रही है, हर एक जिले में हल्की बारिश हो रही है। आज तो बर्फबारी की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन पिछले कल जो है अपना कोकसर और हमसा में बर्फबारी हुई है, और इसी तरह से 27th को भी लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपर के जो एरिया है वहाँ पे बर्फ़ रिपोर्ट्स हुई है। और ये पश्चिम विक्षोभ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 27th से ये सक्रिय है, और आज भी इसका असर देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, लेकिन कल से इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और उसके बाद फिर 3 से 4 दिन मौसम जो है ठीक रहेगा, साफ रहेगा। देखिए, आज तो ओलावृष्टि के ऊपरी क्षेत्र में कम संभावना है क्योंकि तापमान में कमी आ चुकी है, लेकिन प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे ओलावृष्टि का अलर्ट सामने आज भी रखा है। उसमें मुख्य तौर पर जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इन पॉकेट्स में संभावनाएं हैं क्योंकि अभी टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है। जो शिमला मंडी और कुल्लू की बात है, क्योंकि टेम्परेचर में कमी आ चुकी है तो इसलिए आज ओलावृष्टि की संभावना कम है। हालांकि ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है इन जिलों में। और जो ओलावृष्टि हुई है उसमें 27th को, 28th को जिला शिमला, मंडी और कुल्लू में कुछ हिस्सों में जो है ओलावृष्टि की रिपोर्ट्स हैं। और उससे ये भी खबरें मिली हैं कि बागवानों को और ख़ासकर जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं उसको भी इसका असर हुआ है। अभी तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि तापमान सामान्य के आसपास हैं, इससे कम ही चल रहे हैं, और मई का फर्स्ट वीक भी ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मियां नहीं होंगी क्योंकि तापमान उन दिनों में सामान्य के आसपास या इससे कम रहेंगे, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंटिन्यू करेंगे। और ये अभी तक का जो हमारा लॉन्ग रेंज प्रोडिक्शन है उससे थोड़ा ये अंदेशा लगता है कि मई का जो 15 मई के बाद जो है टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी होगी, उससे पहले बीच बीच में पश्चिम विक्षोभ जो है देखने को जरूर मिलेंगे। की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में राइज होने की संभावना कम है। देखिए, अगर इसका हम शोध देखते हैं या इसका हम डाटा देखते हैं तो उससे कई चीज़ें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये है कि जो सर्दियों में बर्फबारी और बारिश के जो वेदर सिस्टम हैं, जिनको हम पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं, वो लंबा समय जो है यहाँ पे रहते हैं, इवन गर्मियों में भी देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ये होता था कि वो जैसे ही गर्मी आती थी तो ऊपर चले जाते थे, नॉर्थवर्ड चले जाते थे, तो उनका लगातार रहना जो है पश्चिम विक्षोभ को लाना मुख्य कारण है। साथ साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि उसका असर न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में या पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं, तो वो तो एक बैकग्राउंड फैक्टर है ये, लेकिन साथ साथ में मुख्य कारण ये है कि पश्चिम विक्षोभ जो है, जो कि पश्चिम विक्षोभ बनाते हैं हवाएं, उनका जो है हमारे खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहना मुख्य कारण है। उससे आपको गर्मियों में पश्चिम विक्षोभ देखने को मिलते हैं, और न केवल गर्मियों बल्कि आप देखते होंगे कि मानसून जब बारिशें आती हैं तब भी, या तो बिगिनिंग में एंड में, कई बार जो है बहुत तेज़ पश्चिम विक्षोभ आते हैं मानसून के साथ मिलकर, और कई बार बहुत तेज़ बारिश देते हैं, और उससे आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर भी हुआ, और उससे पहले आप पिछले जो मानसून के फ्लड्स आए हैं वो उसका मुख्य कारण रहा। तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का असर अब सारा साल देखने को मिलता है, उसके लिए हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी। और जहां तक मानसून की बात है, क्योंकि हमारा जो अभी जो हम इनिशियल फोरकास्ट है अच्छे मानसून का है, और जहां तक हिमाचल की बात है यहां भी नॉर्मल मानसून की संभावना है। इसकी जो अपडेट फर्दर आएगी वो 20 मई के आसपास हम आपको अपडेट करेंगे कि किस तरह का मानसून जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और हिमाचल में रहेगा। ऐसा है कि बीच बीच में इस तरह की रेनफॉल तो आएंगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है लगातार रह रहे हैं हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका जो अभी जो काफ़ी स्टेशनरी रहते हैं, उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो है, काफ़ी डिले होता है उनको ऊपर जाने में, तो वो एक मुख्य कारण बना रहता है। और इस साल भी क्योंकि शोध भी ऐसे ही कह रहे हैं, पिछला डाटा भी ऐसा कह रहा है, और जो भी रिसर्चर्स हैं उनका भी यही मानना है कि डिले जो माइग्रेशंस है ऊपर उनका जाना पश्चिम विक्षोभ का, वो सब जो है इन चीज़ों के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, और उसके साथ साथ में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर तो है। देखिए, एक तो स्नोफॉल आप देख रहे हैं अभी पिछले 3 दिनों से बीच बीच में हाई रिजेज पे, तो उससे टेम्परेचर डाउन हो रहे हैं, और तापमान सामान्य से कम है। पिछले 24 आवर्स में 2 से 3 डिग्री का अंतर तापमान में मैक्सिमम टेम्परेचर में आ चुका है, तो इसी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ठंड हो गई है, और लगता है नहीं कि गर्मी का सीज़न है, तो डेफिनेटली है। लेकिन ये लग रहा है कि जैसे कल से इसमें कमी आ जाएगी, मैंने कहा कि काफ़ी कमी कल से
बारिश और बर्फबारी में आएगी, और उसके बाद फिर 3 दिन मौसम ठीक रहेगा। 4 और 5 में एक और पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका असर जो है कुछ जगहों पे, जैसे प्रदेश के जो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनके कुछ एरियाज़ में चांसेस हैं कि वहाँ पे इसका असर देखें।